इस वीडियो में हम लोग गेज का टेक्सचर करेंगे। इसके लिए इसका शेडर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि पेट्रोमैक्स 02 है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे बेस मटेरियल अप्लाई किया था इसको कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पाएंगे स्मार्ट मटेरियल में और यहाँ से हम लोग चूज करेंगे ब्रॉन्ज आर्मर और इसको हम लोग सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने लेयर में। इस तरह हमारे जो मेटल का पोर्शन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो गेज का इनर टेक्सचर है वो क्रिएट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फिल लेयर ले लेंगे और यहाँ से इसका नाम दे देंगे टेक्सचर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना टेक्सचर इंपोर्ट कर लेते हैं। और फिर हम लोग ये टेक्सचर बेस कलर में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये टेक्सचर यूवी के अकॉर्डिंग काफी बड़ा है, तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। और इसके लिए हम लोग 2D व्यू में आते हैं और यहाँ से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब यूनिफॉर्म स्केल के लिए कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी ये सेंटर में है या नहीं ये देखने के लिए हम लोग 2D और 3D व्यू एक साथ देखते हैं, जिसके लिए हम लोग F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेंटर पे नहीं है, तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ब्लैक मास्क अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हम लोग पॉलीगन फिल सेलेक्ट करेंगे और यूवी चूज करने के बाद हम लोग अंदर का यूवी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ग्लास मटेरियल का मेस है, तो हम लोग सबसे पहले जो ग्लास मटेरियल है इसको ऑफ कर देते हैं ताकि इजिली सेलेक्ट कर सके, या फिर आप 2D व्यू पे भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी 2D व्यू पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है वो ब्लैक है, इसको हम लोग को व्हाइट करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर या तो व्हाइट हम लोग पेंट कर लें या फिर एक न्यू लेयर लेने के बाद इसको हम लोग टेक्सचर के नीचे अप्लाई करेंगे और इसका नाम हम लोग यहाँ पे कलर दे देते हैं और इस पे भी हम लोग ब्लैक मास्क अप्लाई करेंगे और सेम यूवी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो टेक्सचर का मास्क है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एड पेंट चूज करेंगे और इसमें हम लोग ब्रश से पेंट कर लेंगे। ब्रश का साइज मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे वाइट है इसलिए यहाँ पे आपका पीछे का रिवील नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको स्विच करते हैं। इसके लिए एक्स प्रेस कीजिए और फिर हम लोग इसके ऊपर पेंट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये ग्रे दिख रहा है क्योंकि हमारा जो कलर है ये प्योर वाइट नहीं है, तो हम लोग इसको व्हाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये एक जैसा कलर हो गया, कहीं पे जो छूट गया है उसको वापस हम लोग पेंट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा गेज के अंदर का टेक्सचर क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है। ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए जो हमारा टेक्सचर है इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे एड फिल्टर। अब सिर्फ यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है, तो हम लोग अल्ट के साथ कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे फिल्टर और यहाँ पे टाइप करेंगे HSL जो कि ह्यू सेचुरेशन और लाइट है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे इसका सेचुरेशन पूरा जीरो कर देंगे, तो इससे ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इसका लाइटनेस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब चूंकि ये डल लग रहा है तो इसको हमको इन्हेंस करना है, तो इसमें हम लोग लेवल ऐड करते हैं। इसके लिए हम लोग लेयर सेलेक्ट करेंगे, अगेन राइट क्लिक और यहाँ से चूज करेंगे ऐड लेवल। लेवल पे आने के बाद जो ऊपर का ब्लैक लाइन है इसको हम लोग इंक्रीज करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम चेंज कर रहे हैं इसका ब्लैकनेस भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसका वैल्यू 3.23 ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब हमें जो ये डायल है इसको चेंज करना है, तो हम लोग अगेन एक फिल लेयर ले लेते हैं और इसका नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं और इसमें हम लोग अगेन राइट क्लिक करेंगे और ब्लैक मास्क चूज कर लेंगे। फिर पॉलीगन फिल लेने के बाद यूवी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग जो मेस का यूवी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे इसका भी कलर चेंज हो गया है, पर अभी इसे मैच करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा
डार्क कलर लेंगे ताकि डायल और हमारा पीछे का टेक्सचर थोड़ा सा मैच हो जाए। फिर इसका रफनेस हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और मेटालिक वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये टेक्सचर कंप्लीट हो गया। अब वापस हम लोग 3D व्यू में आते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो विदाउट ग्लास तो ये ठीक दिख रहा है, पर ग्लास ऑन करके देखते हैं, ठीक है, ये लगभग हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिलामेंट, ब्रास और ग्लास का टेक्सचर इन्हांस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।